भारत में वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी गुड न्यूज, रूसी वैक्सीन का भारत में हो सकता है उत्पादन। दोस्तों, पूरी दुनिया बेसब्री से कोरोना की वैक्सीन बनने का इंतजार कर रही है। इस समय 175 से अधिक वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेज में है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में दुनिया की पहली अप्रूव की गई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की घोषणा कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। रूस की जिस वैक्सीन पर दुनिया सवाल उठा रही है, उसी रूसी वैक्सीन का अगर सब कुछ ठीक रहा तो बड़े पैमाने पर भारत में निर्माण होगा। वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश रूस भारत के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहा है। रूस ने भरोसा जताया कि भारत में स्पुतनिक 5 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। रूसी वैक्सीन के उत्पाद और मार्केटिंग का काम देखने वाली संस्था RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रीव की माने तो रूस कोरोना के टीके स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। दिमित्रीव ने कहा कि लैटिन अमेरिकी, एशिया और पश्चिम एशिया के कई देश टीके के उत्पादन के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस टीके का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और फिलहाल हम भारत के साथ साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। ये कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि टीके के उत्पादन के लिए होने वाली ये साझेदारियाँ हमें मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएंगी। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है और रूस के पास इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार करने की सुविधा नहीं है, इसलिए वो भारत की मदद से अपनी वैक्सीन के उत्पादन की कोशिश में है। स्पुतनिक 5 का अगले हफ्ते से शुरू होगा ट्रायल। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए दुनिया में रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया है। दुनिया भले ही रूस की वैक्सीन पर सवाल उठा रही हो, लेकिन रूस अपने इस वैक्सीन को लेकर आगे बढ़ रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का अगले हफ्ते से हजारों वॉलंटियर्स के टीकाकरण के साथ ही रूस में वैक्सीन का प्रभाव और सुरक्षा का एक प्लेसेबो नियंत्रित मल्टी सेंटर क्लिनिकल अध्ययन शुरू होगा। रूस के 45 से अधिक केंद्रों में 40,000 से अधिक वॉलंटियर्स को इस वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ह्यूमन एडेनो वायरल वैक्सीन के फायदों के बारे में पूरी जानकारी स्पुतनिक वी वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई है। रूस के सरकारी वित्तीय संस्थान रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के मॉस्को के गामिलिया के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए रिसर्च से जुड़ी तमाम जानकारियां सार्वजनिक की। वैक्सीन की 50 लाख डोज खरीदेगा भारत। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश वैक्सीन बनने से पहले ही इसके डोज खरीदने के लिए अलग अलग कंपनियों से करार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह भारत भी कोरोना वैक्सीन के करीब 50 लाख डोज खरीदने पर विचार कर रहा है। सरकार ये डोज कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों, सेना के जवानों और कुछ विशेष लोगों के लिए खरीदना चाहती है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से उसे उपलब्ध कराने की प्राथमिकताओं को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। इसमें फोकस सप्लाई चेन और वितरण पर है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों और सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा बन रही है। इसके लिए सरकार ने बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ हुई बैठक के दौरान वैक्सीन को लेकर बने विशेषज्ञ समूह ने कंपनियों से अपने प्रस्ताव देने को कहा है, जिसमें उत्पादन क्षमता की जानकारी, कीमत और सुझाव देने होंगे। कोविशील्ड का भारत में तीसरे चरण का ट्रायल। भारत में इस वक्त कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही है, इसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी शामिल है। भारत में इसे कोविशील्ड का नाम दिया गया है। पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन के उत्पादन में एस्ट्राजेनेका की पार्टनर है, जिसने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। देश के 17 शहरों में इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, जिसमें वॉलंटियर्स के तौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 1600 लोगों को शामिल किया गया है। भारत में वैक्सीन की रेस में सबसे आगे इसी टीके को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये वैक्सीन भारतीय लोगों को मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में हर मिनट वैक्सीन की 500 खुराक तैयार करेगी। शुरुआत में हर महीने 40 से 50 लाख वैक्सीन की डोज तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। बाद में कंपनी से बढ़ाकर सालाना 35 से 40 करोड़ डोज तक ले जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ब्राजील में ट्रायल। ब्राजील की नियामक संस्था अनविसा ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है।
वैक्सीन को फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन ने विकसित किया है। दरअसल अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला दुनिया का दूसरा देश है। यहाँ मौत के मामले भी अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है, जिसकी वजह से वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनियों के लिए परीक्षण के लिहाज से उपयुक्त जगह है। ब्राजील ने इसके साथ ही 3 और फेज 3 ट्रायल को मंजूरी दे दी है, जिससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका, चाइनीज फर्म सिनोवैक बायोटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर तैयार किया है। इसके साथ ही ब्राजील के एक राज्य ने रूस निर्मित स्पुतनिक के टेस्ट और उत्पादन को लेकर सौदा किया है। फाइजर की वैक्सीन का जल्द होगा रिव्यू। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी फाइजर इंक और जर्मनी की बायोएनटेक की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन को समीक्षा के लिए रेगुलेटरी बॉडी के सामने पेश किया जाएगा। कंपनी की माने तो फिलहाल 20% वॉलंटियर में ये वैक्सीन निम्न से मध्यम स्तर के बुखार में असरदार साबित हुई है। इसी के साथ कंपनी अमेरिका और जर्मनी में किए गए फेज 1 ट्रायल की समीक्षा कर रही है। फाइजर की वैक्सीन की दूसरे और तीसरे चरण के इन परीक्षणों में 18 से 85 साल की उम्र के 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया।